गाइस कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैंने अपना एक ब्लॉग एंड किया है। एक दो दिन में एडिट करके मैं उसको डाल दूँगी। और मम्मी पापा आए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ब्लॉग देख के पता चल ही रहा होगा। तो अभी हम लोग फिर निकल रहे हैं घूमने के लिए। और कहाँ कहाँ हम लोग आज कैप्चर करते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं मम्मी पापा के साथ, वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। और हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये है मेरा आज का आउटफिट। मैंने एक लॉन्ग फ्रॉक बोल सकते हैं, ऐसा कुछ वियर किया है। और ये मेरा भाई निकला और ये बेटा इधर आओ, इधर इधर। और ये मेरा हीरो, देखिए आज इसका हेयर कटिंग हुआ है जो कि इसके मामा ने करवाया है। तो हाय कर दो सबको, देखिए कैसे एटीट्यूड दिखा रहा है। और ये मेरी मम्मी आती हुई, हेलो बोलिए मम्मी। हेलो। और ये मेरा भाई, सब बने हुए हैं मेरे घर में, सब बने हुए हैं। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। पकड़ो ना इसको पिंटू की, पकड़ो। पापा को ही दे देते ना, वो पहले आते हैं तो फिर उनको रखना जरा। ठीक है रखो तुम, तो बने रहिए और हम लोग चलते हैं। और अभी शाम के आई थिंक 3:30 हो रहे हैं, तो चलते हैं फिर देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं। हम लोग बिहार म्यूजियम आए हैं। पिछली बार मैं आई थी तो कोरोना की वजह से लॉक था, इसलिए मैं नहीं देख पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी पापा भी आए हुए हैं तो उन्हें भी दिखा दूँगी और मैं भी देख लूँगी। और ये मेरे पास टिकट है। अभी मेरा छोटा भाई आया नहीं है, वो एक्चुअली दूसरे ऑटो में आ रहा है। उस ऑटो में फुल हो चुकी थी जगह। और ये एक सेकंड में बाहर का नज़ारा पहले आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद अंदर का नज़ारा तो देखना ही है। तो वेट अ सेकंड। नहीं बोलो ना, पानी का बोतल रखाया है। ये शॉप है, मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लगा। ये गणेश जी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है ना, वाकई बहुत ही अच्छी होती है मधुबनी पेंटिंग। देखिए कितनी एंटीक चीज़ें रखी हुई, कितनी खूबसूरत लग रही है। पता नहीं क्या है जो भी है, बट यहाँ पे दिया था तो मैंने बस इसे कैप्चर कर लिया। और ये सब जो है वो बिहार के वन्य जीवन के बारे में कुछ दिया हुआ है, जितना हो सकता है मैं दिखा सकती हूँ। यहाँ पे क्या यार वीडियो चल रहा है, कुछ चल रहा है। चल रहा है, ये देखिए बर्ड। यहाँ पे देखिए मेरा भाई इन लोगों का फोटो क्लिक कर रहा है। मुझे तो यहाँ बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं लगा हुआ है, तो मैंने बोला कि मैं कोई क्लिक वगैरह नहीं करवाने वाली, मैं बस रिकॉर्ड करूँगी और निकलूँगी। यहाँ पे तो नहीं रहने वाली, बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन यहाँ पे सभी लगे हुए हैं।
कुछ ऐसा दिखता है इधर में जो बना हुआ है। बहुत अच्छा बनाया है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है। आप लोग भी बैठे बैठे बिहार के म्यूजियम का मज़ा लीजिए और मुझे थैंक यू बोलिए इतनी गर्मी में मैं आप लोगों के लिए ये सब चीज़ कैप्चर करूँ। मेरा भी स्वार्थ है बट आप लोगों के लिए जाना, इस बात को तो आप लोगों को मानना पड़ेगा, आप लोगों के लिए ज़्यादा। ये देखिए कितना अच्छे से निकला हुआ है, यहाँ से ऐसा लग रहा है ऐसे ओरिजिनल ही निकला है इसने। ये देखिए ये पेड़ पे चमगादड़ लटके हुए हैं, ये मैंगो पेड़ पे, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ओरिजिनल है ट्री। और सभी लगे हुए हैं क्रोकोडाइल, डियर, वाला जो हम लोग अक्सर मूवी में देखते हैं कि यहाँ से सांप निकलता है, वो ऐसा कुछ बनाया है। ये देखिए सारा भी देख लीजिए आप लोग, और बर्ड्स है और ये डियर आप लोगों ने देखा ही होगा यहाँ पे। ये देखो ये गाय है, आई थिंक गाय का बछड़ा। ये पेड़ बरगद का पेड़ है, ये यहाँ से एंटर किया और ये अच्छा है, इतना सब कुछ देखने को है यहाँ, मैंने सोचा नहीं ऐसा कुछ बनाया हुआ है। ये कुछ चाणक्य के बारे में दिया हुआ है, अपने देखा ये एंटर करने का था बट मैं दूसरी जगह से एंटर कर चुकी थी इसलिए मैंने ये कैप्चर नहीं किया था पहले। ये देखिए अगेन हमारी मनमानी पेंटिंग, और यहाँ पे कुछ वीडियोज़ चल रहे हैं। वाह तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये मेरा आउटफिट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं। और ये देखिए मेरा भाई को, इसको जहाँ मैं रहूँगी ना बस वही घुसना है। तुमको पूरा जगह नहीं दिखा और कहीं पे दिखा, और मुझे भी ले रहा है फोटो में। फ्लैश लाइट ऑन करोगे तो थोड़ी ठीक आएगा इस तब पर। और यहाँ पे सिर्फ आईना ही आईना है, देखिए यहाँ पे मेरा नीचे का दिख रहा होगा आपको, और मुंह कट गया है। हाँ यहाँ तो दिख रहा है बट पता नहीं क्या दिख रहा है, यहाँ भी फेस के पास ही कुछ स्टिकर जैसा कुछ है। ये भी कुछ तो दिया है, हमारी संस्कृति के बारे में वो सब जो मूर्ति वगैरह है उसके बारे में कुछ दिया है। पुरानी मूर्तियाँ नहीं टच करते, इधर आओ, ऐसा ही कुछ है। ये क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये कुछ ऐसा था यहाँ पे। अगर कोई बिहार में रहता है और उसे पता है वो म्यूज़ियम में आया है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करके बताएं कि ये क्या है। ये मम्मा है, इधर छोटा बाबू इधर देखो, जाइए जाइए खड़ा छोटा बाबू।
ये भी कुछ है ही, समझ नहीं आया क्या है वो। मैंगो है बक। ये सम्राट अशोक का स्कूल। ये क्या है हा? पता नहीं क्या है, बट जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद का एंट्रेंस है, बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत अच्छा कमरा है। पता नहीं ये उर्दू में क्या लिखा हुआ है, हम लोगों को क्या समझ आएगा जो भी हो। कहाँ मनेर शरीफ लिखा है? अच्छा वो पता नहीं यार, इतना आइडिया नहीं है म्यूजियम के बारे में क्या क्या है यहाँ पे, बट जो भी है बहुत ही अच्छा है। और इतनी जल्दी हम लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे लग रहा है बस। तो विष्णु भगवान की मूर्ति है, और कब की है? हाँ देखो विष्णु भगवान का ही है, उनके लिए मैं गलत नहीं, जितनी भी तारीफ करूँगी वो कम ही होगी यहाँ के लिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल। और मतलब इतना हड़बड़ एक दो घंटे में इसको कैप्चर करना इम्पॉसिबल है, सुकून से पढ़ के सब कैप्चर किया जाना पड़ेगा। उसे तो जितना हो रहा है मैंने कर दिया। यूँ तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ये बहुत प्राचीन मूर्तियां हैं, अब बंद होने वाला है एक्चुअली। खूबसूरत लग रहा है ना। अपने बिहार म्यूजियम देख लिया है जैसे कि अपने वीडियो में देखा होगा, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक बता नहीं पाई, हम लोगों ने देख लिया है बिहार म्यूजियम। हम लोगों के पास सिर्फ एक घंटे का ही टाइम था, और एक घंटे में अच्छे से कैप्चर कर पा रहा इम्पॉसिबल है। और ये बाहर का नज़ारा है उतना ही खूबसूरत है, देख रहे हैं आप। जैसे कि अभी आप लोग निकल ही रहे हैं, अभी सभी निकले नहीं हैं अच्छे से, और मैंने जितना हो सका आपको कैप्चर करके दिखाने की कोशिश की है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं बुद्धा स्मृति पार्क, जहाँ कल का प्लान ड्रॉप हो चुका था क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे, और आज हम लोग के पास टाइम है तो हम लोग अच्छे से वहाँ का पार्क भी मम्मी पापा को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, और आप लोगों को भी, और वहाँ का लेज़र शो भी मम्मी पापा को दिखाएंगे। स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए मैं जा रही हूँ, उन लोगों को लेज़र शो दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत बार देखा है बट उन लोगों ने नहीं देखा है। और यहाँ पे एज यूजुअल मेरा भाई फ़ोटो ले रहा है, मेरा फ़ोटो एक दो तो हो चुका है, तो मेरा भाई ले के सबको दिखा रहा है। और ये मेरा बेटा कहाँ गया, ये भी कहीं दौड़ ही रहा है। ये देखो क्या कर रहे हो तुम, है हीरो? ये अलग, इसको फ़ोटो दो चार ले लेने के बाद बस फ़ोटो नहीं लेना है, बस हो गया। तो फिर चलिए ज़्यादा नहीं पकाते हुए हम लोग निकलते हैं अगले जर्नी की तरफ।